अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ गुल है और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एक्सट्रूड एंड बेबल देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ इफ़ेक्ट्स में, 3D में, और यहाँ पर जो है ये ऑप्शन था रिवॉल्व, मैंने आपको ये सही से समझा मैं नहीं पाया था, तो इसलिए मैं आपको फिर से बता दूं कि आप एक शेप बना लेते हैं तो ये जो है ना दूसरी शेप खुद बना लेता है, और अगर मैं यहाँ पर ओके कर दूं तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है ना मेरा एक पूरा का पूरा शेप जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी हम जो है ना चलते हैं अपने हाँ तो अभी हम जो है ना चलते हैं अपने जो है ना एक्सट्रूड एंड बेबल की तरफ। तो मैं जो है ना यहाँ पर कुछ जो है ना शेप्स वगैरह बना लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से जो है ना मैं ये कर लेता हूँ दो, और इनको जो है ना मैं यहाँ से ऑल्ट के साथ कॉपी करता हूँ और साथ में शिफ्ट प्रेस करता हूँ। तो अभी जो है ना मेरा ये बन चुका है। तो मैं अभी इनको जो है ना यहाँ से पकड़ता हूँ और यहाँ पर जो है ना मैं अपना सिंबल्स का जो है ना पैनल यहाँ पर खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पर अपना सिंबल्स पैनल खोल लेता हूँ, से ड्रैग करता हूँ और जाकर वहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ पर ओके करते हो, ये हमारा यहाँ पर सिंबल आ चुका है। तो अभी मैं जो है ना इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और जो है ना मैं यहाँ पर एक ऐसा जो है ना बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ और इसमें जो है ना मैं फिल दे देता हूँ ब्लैक। तो यहाँ पर जो है ना मैं या यहाँ से जाने के बजाय आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर जो है ना स्ट्रोक मैं इसको नन कर रहा हूँ। अभी जो है ना मैं यहाँ पर 3D में जाता हूँ और एक्सट्रूड एंड बेबल में जाता हूँ। तो यहाँ पर तो आप जो है ना प्रीव्यू ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे जो ऐसे रखता हूँ और जो है ना मैं यहाँ से क्या करूँगा कि यहाँ पर मैप आर्ट का एक ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरी एक और विंडो जो है ना वो पॉपअप हो जाती है। तो इससे जो है ना मैं यहाँ पर अभी जो है ना मैं यहाँ पर जो है ना ये जो मेरा सिंबल्स मैंने यहाँ पर रखा था ये मैं यहाँ पर लाता हूँ और इसको मैं जो है ना थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ से ये बहुत ही बड़ा है। तो मैं इसको जो है ना तो इसको जो है ना मैं यहाँ से थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। तो अभी जो है ना मैं इसको यहाँ से जो है ना जाकर छोटा कर लेता हूँ। तो अभी जो है ना आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ना हमें ये वाला सिलेक्ट करना है, ये देख सकते हैं आप कि इसने नीचे वाला हिस्सा जो है ना सिलेक्ट किया हुआ। तो हमें जो है हमें चाहिए ये वाला हिस्सा। तो हमने जो है ना इस पर जो है ना इसको लाना है और इस तरह से जो है ना रोटेट कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं इससे आप मज़ेदार से जो है ना 3D वाले इफ़ेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं। तो ये जो है ना आपके पास कुछ बने बनाए सैंपल्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, अगर आप वो यहाँ पर जो है ना इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं जो है ना यहाँ पर इस पर जो है ना जाकर वही सैंपल अप्लाई करता हूँ। तो इससे जो है ना आप मज़ेदार से जो है ना सब चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना ये ऑप्शन है क्लियर के, अगर मैं क्लियर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर मैं इसको भी जो है ना क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से जो है ना अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो
मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना आज की क्लास बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।